कसं एवढं इथे एवढं एवढं पोहोच पहले स्पॉट पे स्विमिंग करने बहुत मजा आया। 5 मिनट आप आगे जाओगे तो आपको वाटरफॉल जैसी एक जगह मिल जाएगी। तो अभी हम लागत ना खाली हमें वो स्पॉट मिल चुका है जहाँ पे हमें जो मैं लड़के की बात कर रहा था ज्यादातर मेरे हर वीडियो में आपको दिखाई देगा आपको रास्ता मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल देसी रैम्बलर। मंथ चल रहा है अप्रैल का और आपको तो पता ही होगा इंडिया में कितनी कितनी गर्मी होती है अप्रैल मंथ में। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि कहाँ तो चले, पर वो जगह रिसॉर्ट तो नहीं है पर एक कुछ अच्छी जगह है जो आपको पहुँचने के बाद पता चल जाएगी। ये वीडियो एंड तक देखिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. हम फाइनली पहुंच गए बरवी डैम, पर एज एक्सपेक्टेड वहां से ज्यादा पानी का फ्लो आ नहीं रहा था तो हमने सोचा वहां से एक रोड ऊपर जाता है। उस रोड के सहारे हम ऊपर आ गए तो वहां पे हमें एक ग्रीन हाउस दिखा। वो ग्रीन हाउस एज अ लैंडमार्क आप पकड़ लीजिए, वहां से आप बाइक अंदर थोड़ा सा एंट्री कर सकते हो और वहां से फिर नीचे 10 मिनट का जंगल के थ्रू नीचे जाने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। These walls fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो 10 मिनट चलने के बाद जैसे मैंने आपको बोला हम लोग डैम के प्लेस पे पहुंच गए जहाँ पे अभी हम स्विमिंग करने वाले हैं। तो स्विमिंग करने जैसे कि आपको पता है बहुत मज़ा आने वाला है। इस जगह अकेले आने का कुछ फ़ायदा होता नहीं तो मैंने मेरे 3 दोस्तों को इनवाइट किया है। उसमें से एक बंदा है जो मेरे नॉर्मली सब वीडियोज़ में आपको दिखाई देगा। इसके पहले मैं जो वीडियो किया था वो था मोरबे डैम, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो भी डैम आप ज़रूर देखिए। जो मैं लड़के की बात कर रहा था वो है ये है अमोल। ये ज्यादातर मेरे हर वीडियो में आपको दिखाई देगा। एक प्रॉपर स्विमिंग का स्पॉट हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी तक। ये आप देख सकते हो कि ट्रीज जो है वो कट चुकी है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, पर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है तो शायद यहाँ पे कुछ उन लोग न्यू प्लांटेशंस या कुछ उन लोग का प्लान होगा, इसके लिए ट्री कट्स किए रहेंगे। बरवे डैम का जो रोड आप चढ़ोगे तो प्लीज़ आप कहीं पे बाइक पार्क करके जंगल के अंदर घुसिए मत, क्योंकि आपको बहुत सारे बोर्ड्स इन बिटवीन द रोड्स आपको दिखाई देंगे जहाँ पे लैपर्ड्स, बियर्स, स्लॉथ बियर्स एंड वाइल्ड डॉग्स का वार्निंग दिया गया है। चिकल है
खूब चिकल है। एक स्पॉट तो हम लोग ने ढूंढ लिया था, पर अभी पता चला कि वहाँ की जो मिट्टी है वो दलदल जैसी है, जैसे ही हम पैर रख रहे हैं वो अंदर ढसी जा रही है। और जो मेरे पीछे आप पानी देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा डीप है, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितना डीप हो सकता है। तो हमने डिसाइड किया जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ एक आदमी ने बोला कि वहाँ आप स्विमिंग कर सकते हो, तो हम वही जा रहे हैं अभी। चढ़ चढ़ बसलो काय बसलो आलो आता आता मेंनी दोन तीन फोटो काढले शेतात आता नीट पुढे पुढे पार्किंग आहे पुढे बस आहे उडे इथे उडे उडे पोहोच। फाइनली हमें वो स्पॉट मिल चुका है जहाँ पे हमें स्विमिंग करने मिल जाएगा और बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह मेरा ये व्लॉग एंड होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वॉन्ट टू सी माई प्रीवियस वीडियो एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है।